हरियाणा विधानसभा चुनाव में आखिरी के दो दिन प्रचार के लिए बचे हुए हैं। तमाम दिग्गज नेता जो हैं चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, और वहीं कांग्रेस पार्टी हरियाणा में खास तौर पे अपनी ग्राउंड पे स्थिति मजबूत करने के लिए अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। राहुल गांधी लगातार कल से हरियाणा में यात्रा के जरिए वोट बैंक की राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं तमाम पार्टियों के नेता जो है आखिरी दो दिन में अपनी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुलदीप शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। किस तरह से इस बार का चुनाव देख रहे हैं और अपनी जीत को लेकर कितने आप सुनिश्चित महसूस कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट है? देखिए, जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सरकार रही, उसके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, इतना गुस्सा, इतना रोष है लोगों ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वायदे किए, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। उस रोष के चलते आज के दिन हरियाणा में बदलाव की एक आंधी चल रही है, मैं कहूँ कि कांग्रेस की लहर चल रही है, और कांग्रेस की लहर के चलते जितनी हम आशा करते हैं उससे बहुत ज़्यादा बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस जीत रही है। राहुल गांधी भी कल से अपनी यात्रा कर रहे हैं, तमाम विधानसभाओं से गुजरती हुई इनकी यात्रा जा रही है। आपको लग रहा है कि लास्ट मोमेंट पे राहुल गांधी की यात्रा से क्या और सीटों की बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे और जीत सुनिश्चित हो जाएगी? देखिए, राहुल गांधी के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव बनाया था वो ध्वस्त होकर अब राहुल गांधी देश के प्रथम पंक्ति के नेता हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और हरियाणा के और देश के युवाओं को उनसे बड़ी आशा है। वो केवल नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो ही इज़ द फ्यूचर ऑफ द ऑपोजिशन एंड फ्यूचर ऑफ द कांग्रेस, और वो नेक्स्ट गवर्नमेंट में वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मोदी मैजिक ख़त्म हो चुका है, तो राहुल गांधी का आना, क्योंकि उन्होंने इतनी यात्रा में भी आए थे, उनके आने से जो स्पेशली हमारा यंग है, यंग वोटर है, और इतने बड़े नेता जब मैदान में उतरते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो हवाओं का रुख पलटते हैं। लगातार बीजेपी ये कह रही है कि हम तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगते आए हैं कि जहाँ पे आप लोगों ने जब जब सरकार में आप लोग आए हैं केवल घोटाले किए हैं, कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, इस तरह के आरोप लगातार बीजेपी लगाती है। वो भी लगातार कह रहे हैं कि हम तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं हरियाणा में, पॉसिबल होगा आपको लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार हरियाणा में इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी कि 75 पार का नारा लगाया था, 40 आए। देश की पार्लियामेंट में 400 पार का नारा लगाया था, 240 आए। अब ये तीसरी बार सरकार का नारा तो हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने के लिए लोग तत्पर हैं। देखिए, जहाँ तक परिवारवाद का आरोप है तो भारतीय जनता पार्टी में लगना चाहिए। 9 नेताओं के बच्चों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है हरियाणा के अंदर, तो परिवारवाद का आरोप अगर कहीं लगता है तो भारतीय जनता पार्टी पर लगता है, कांग्रेस पर। राहुल गांधी को परिवारवाद थोड़ी है, परिवार में किसी में पैदा हो जाना कोई प्रॉब्लम नहीं, परिवारवादी होना बात दूसरी होती। वो तो एक शहीद के बेटे हैं, शहीद के पोते हैं, उनके तो परिवार ने सैकड़ों साल इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, तो वो कैसे परिवारवादी हैं? एक और सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि तमाम जातीय समीकरण जो है हरियाणा में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार प्रचार कर रहे हैं, आज आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी की यात्रा भी गुजरेगी बाहर से, आपको लग रहा है कि तमाम जाति लोग, आप लोग बोलते हैं 36 बिरादरी के लोग हमारे साथ हैं, आपको लगता है कि इस बार वाकई, क्योंकि लगातार कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि कांग्रेस जाट पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है? देखिए, हम कभी किसी जातिवादी राजनीति में कोई विश्वास ही नहीं। कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है, और जितना समर्थन हमें किसानों का मिल रहा है उतना ही जो मजदूर हैं, गरीब हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, सभी लोगों का मिल रहा है। सरकारें बनती हैं, प्रचंड बहुमत आता है तो सभी के समर्थन से आता है। भारतीय जनता पार्टी ने जात पात की राजनीति की, जाति और धर्म के नाम पर इस देश को बांटने की कोशिश की, जाति और जात पात के नाम पर हरियाणा में दंगे करवाने की कोशिश की। तो भारतीय जनता पार्टी तो टोटली फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका तो वो जिस तरह भी हो चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, कांग्रेस पर तो सिर्फ आरोप करते हैं। कुलदीप जी, क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार चुनाव में? आप लोग लगातार प्रचार कर रहे थे, आप लोगों ने किसानों की बात करी, जवानों की बात करी, नौजवानों की बात करी, गरीबों की बात करी, इसके अलावा क्या मुद्दे लग रहे हैं? देखिए, आपने किसान की बात कर दी, नौजवान को बेरोजगारी फेस करनी पड़ी है, और एक एडहॉक आर्मी बनाई है, इसकी वजह से बड़ी निराशा हुई है अग्निवीर की।
लेकिन पहलवानों को, ये पहलवानों का भी प्रदेश है, पहलवानों में बड़ी निराशा हुई है, उनको मारा पीटा गया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को सड़कों पर घसीटा गया, फिर महंगाई, कहाँ सिलेंडर 1200 पहुँच गया था, और फिर भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार हरियाणा में हुआ है जितना शायद देश के किसी भी राज्य में नहीं हुआ, फिर एक महिला शोषण, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कत्ल हो जाते हैं, कहीं गोलियां मारी जाती हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उससे व्यापार कैसे बढ़ेगा अगर हरियाणा अनसेफ है। फिर जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, बीपीएल परिवार हैं, उनको बड़ी तंगी फेस करनी पड़ी फैमिली आईडीज में, प्रॉपर्टी आईडीज में, इसके अलावा अनेकों बार ये जो इन्होंने वायदा किया था 100 गज के प्लॉट देंगे, दिया, इन्होंने वायदा किया था मकान बना के देंगे, दिया किसी को मकान बना के, तो गरीब वर्ग तो इनसे सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा नाराज़ है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठे नारे किए, और उसका नतीजा आपने पार्लियामेंट में देखा है, 10 में से 5 सीटें हम जीते थे, दावा तो 10 का 10 का कर रहे थे, 5 हम जीते हैं, और मोदी मैजिक कह रहे थे, मोदी की लहर है, चलो अब तो मोदी की लहर नहीं है, अब तो खट्टर साहब की और उसकी फॉलोअर्स की एंटी इनकम्बेंसी, जिससे 10 साल हरियाणा चलाया गया है, जिस तरीके से, मतलब मैं तो कहूँगा मनोहर लाल खट्टर को कभी मेंबर पंचायत ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, इसलिए तो ये सब कुछ हुआ है हरियाणा में, ही हैड नो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, ही डजंट हैव अ पॉलिटिकल विजन, उसका कितना कॉन्फिडेंट है आप अपनी जीत को लेकर? देखिए मैं तो जीत के प्रति आश्वस्त हूँ, यहाँ तो आंधी चल रही है, कांग्रेस की लहर चल रही है, तो आपको लग रहा है कांग्रेस की लहर में आपकी नैया पार हो पाएगी? हमारी नैया कांग्रेस की लहर में भी पार होगी, अगर हम कांग्रेस के लोग हैं तो कांग्रेस में की जब लहर चल रही है तो हमारी नैया भी पार होगी, क्यों नहीं होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। 4 लगातार जो है प्रचार चल रहा है, 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होनी है, कांग्रेस के तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन 5 तारीख को जब मतदाता मतदान करेगा तब ये फैसला होगा कि आखिरकार हरियाणा के लोगों ने किसको चुना है, किसको ठुकराया है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।